हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा आप लोग किस तरह से पोकेमोन गो में किसी पर्टिकुलर पोकेमोन के रेट्स को आप लोग किस तरह से ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास किसी पोकेमोन गो के रेट के लोकेशन पहले ही मिल जाए तो फिर आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा टाइम बचेगा। आप लोग बेवकूफ़ों की तरह मैप में इधर उधर घूमते नहीं रहेंगे, जिससे आप लोगों का टाइम काफ़ी ज़्यादा बचेगा। आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी रेट्स के लोकेशन को शेयर कर पाएंगे, जिससे आप अपने दोस्तों के साथ भी रेट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जिससे आप लोगों को एक्स्ट्रा बोनस रिवॉर्ड भी मिलेगा। काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाएगा अगर आपने पोकेमोन गो के रेड्स के लोकेशन को पहले ही ट्रैक कर लिया तो इस चीज़ को आखिर आप लोग कैसे करना है, उन चीज़ों के बारे में आज मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो उसके बारे में जाने के लिए वीडियो पूरी तरह से लास्ट देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने ब्राउजर में सर्च करना होगा सिडनी पोगो मैप, फिर सबसे पहला जो लिंक आएगा वहाँ पर चल जाइए। यहाँ पर आप लोगों को एक रेड का ऑप्शन मिलेगा, उसमें प्रेस कर दीजिए। फिर उसी के सामने आप लोगों को फिल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें प्रेस कर दीजिए। फिर यहाँ पर आप लोगों को तीनों जिम को सेलेक्ट करना होगा, मिस्टिक, वैलोर और इंस्टिंक्ट, इन तीनों को सेलेक्ट कर दीजिए। फिर बॉस वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर दीजिए और टायर 5 को सेलेक्ट कर दीजिए। इससे आप लोगों को टायर 5 के सारे रेड्स आप लोगों को मैप में दिख जाएंगे। अगर आप लोग चाहें तो दूसरे टायर के रेड्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए टायर 5 के रेड्स को सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। फिर यहाँ पर आप लोग किसी भी रेड में अगर टैप करेंगे तो वहाँ पर उसका टाइमिंग भी दिख जाएगा, कितना देर तक रेड्स होने वाला है। पर आप लोगों को एक मैप का ऑप्शन मिलेगा, उसमें प्रेस कर दीजिए। मैप में प्रेस करते ही आप लोगों का गूगल मैप खुल जाएगा या फिर आप लोगों का ब्राउज़र खुल जाएगा। फिर यहाँ पर आप लोगों को इस लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स को कॉपी कर लेना होगा। फिर आप लोगों को जाना होगा पोकेमोन गो में। फिर यहाँ पर टेलीपोर्ट का एक ऑप्शन रहेगा, उसमें प्रेस कर दीजिए। फिर ओके में प्रेस कर दीजिए। फिर आप लोग पहुंच जाएंगे उस रेड के लोकेशन तक। इस तरह से आप लोग किसी भी पोकेमोन के रेड्स को ट्रैक कर सकते हैं। इससे आपका टाइम भी काफ़ी ज़्यादा बचेगा। आप लोग इस रेड के लोकेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, इससे आपके दोस्त भी आपके साथ रेड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा यूज़फुल ट्रिक है, जिससे आप लोग किसी पर्टिकुलर पोकेमोन के रेड्स को ट्रैक कर पाएंगे। अगर आप लोग किसी दूसरे रेड्स को ट्रैक करना चाहते हैं तो वहाँ पर टायर 5 के अलावा दूसरे टायर को सेलेक्ट कर दीजिए, जैसे कि टायर 3, टायर 2 या फिर टायर 1 या फिर मेगा रेड्स को आप लोग सेलेक्ट कर दीजिए। उससे आपको मैप में बस वही पोकेमोन ही दिखेंगे जिनका रेड्स चल रहा होगा। तो बस यही था, इसी तरह से आप लोग पोकेमोन गो में पोकेमोन के रेड्स को ट्रैक कर पाएंगे। आप लोगों को एक और मैप का ऑप्शन मिल जाता है अगर आप लोग न्यूयॉर्क में पोकेमोन के रेड्स को ट्रैक करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को NYC पोकेमैप की वेबसाइट में जाना होगा। यहाँ पर आप लोग न्यूयॉर्क के सारे रेड्स को इस वेबसाइट के थ्रू ट्रैक कर पाएंगे। इस वेबसाइट की एक और खास बात यह है कि आप लोगों को कोई भी एक्सटर्नल ऐप को इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, ना ही आप लोगों से किसी तरह की परमिशन मांगता है। आप लोग बस वेबसाइट में जाके कोऑर्डिनेट्स को कॉपी करना है। तो अगर आपको मेरे वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, जैसे आप लोग इस वेबसाइट में कुछ एरर आ रहा हो या फिर आप लोग कोऑर्डिनेट्स को कॉपी ना कर पा रहे हो, तो फिर आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चल जाइएगा। वहाँ पर आपको मेरे टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग डायरेक्टली वहाँ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई दे दूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।